उद्देश्य के साथ नए मकसद के साथ हम यहाँ पर बैठने वाले होने पा रहे हैं।
हर एक गति को तो पूरा करे जा रहा है। भगवान अंदर आपको मिले तो ना यीशु के नाम से बात करें। आमीन आमीन। ऊंचे आवाज कलीसिया बोले आमीन आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके लिए है बगल वाले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए है। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। बगल वाले बोलो यू आर ब्लेस्ड। आप आशीषित हो। आशीष को खोजिए मत, आप आशीषित हो। हालेलुया हालेलुया। और थोड़ा ऊंचा बाइबल कहता है परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कैसे रहने वाला परमेश्वर है? थोड़ा एनर्जी उधर से प्रदान करिए मुझे ताकि मुझे एनर्जी मिले। आमीन आमीन। परमेश्वर परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे साथ रहने वाला। हालेलुया हालेलुया। जब तीन लोग आग में गए थे तो प्रभु के साथ था। जब वो अंदर गया प्रभु के साथ था। जब वो कब्र में था वो उसके साथ था। और आज जब यहाँ बैठे तो वो हमारे साथ है। देखो जो व्यक्ति शरीर में चलता है वो हमेशा अपने आप को अकेला देखता है, लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिट में चलता है वो जानता है प्रभु मेरे साथ। आमीन आमीन। अरे कई बार आपके अंदर में ये विचार आता है कि आप अकेले हो चुके हो, तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, इसकी चिंता करो क्योंकि तुम शरीर में वापस लौटो। आमीन। तो मैं क्या बोला मैं, जिस दिन तुम्हारे विचार ये काम करना शुरू कर रहे हैं तुम क्या हो रहे हो? अकेले हो रहे हो। इसका मतलब है कि तुम आत्मा से किसमें आ रहे हो? शरीर कभी ना कभी अपने आप को क्या महसूस करता है? अकेला। से बोलो क्या? जब हम आत्मा में चलते हैं वो हमारे साथ रहता है। बोले आमीन आमीन। इसलिए 2023 आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और प्रभु को धन्यवाद, पिछले एक हफ्ते के बाद परमेश्वर ने दोबारा आप लोग के साथ मिलकर स्तुति करने के लिए अवसर को दिया, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। लगातार अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया, और ये अद्भुत है आप लोग की प्रार्थना सेवकाई को जस्ट डबल करता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ईशा बोले हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने अद्भुत महिमा को प्रकटीकरण कर रहा है। पिछले दिनों पर जहां जहां मीटिंग है अद्भुत सेवकाई को प्रभु ने किया, लोग उद्धार को पाए, लोगों ने अपने आप को सबमिट किया, और अभी इस बार भी हम जहां पर सेवकाई करने के लिए गए थे लखनपुर के पास में, वहां पर भी जहां पर हम लोग गए वहां प्रभु के दास है ना पिछले करीब 4-5 साल से वहां पर सेवकाई कर रहे हैं। और जब हम वहां प्रचार करना शुरू किया मैंने उत्तरात्मा ने मुझे इस बात को बोलने के लिए अगवाई कर मैंने बोला पिछले कई 4-5 साल से यहाँ प्रभु की सेवकाई हो रही है लेकिन अभी तक यहाँ प्रभु का भवन नहीं बना है, प्रभु के लिए जगह नहीं हुआ है। मैंने बोला इस बार इस आंगन में रात रहा हुआ है, अगली बार किसके आंगन में रात रहा होगा, अगली बार कौन अपने जमीन को अपनी जगह को प्रभु के लिए दे रहा, कोई 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 कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जब मीटिंग खत्म हो गया जब पीछे तरफ जिधर खाना मरा उधर हम बहनों के साथ बैठने लगे बातचीत करने लगे, तो बहन एक बहन बोलती पास्टर जी आप अपना परिचय नहीं बताया। बोला अच्छा परिचय नहीं बताया? मैं बोलती हाँ पास्टर जी आपको अपना परिचय नहीं बताया। क्यों बोल रहे परिचय बताने के लिए? तो बोलती नहीं अगली बार बुलाना है चिट्ठी भेजेंगे तो एड्रेस तो पता होना चाहिए ना। हालेलुया। और जब उनसे बातें करने लगा तब वो मुझे बोलने लगी पास्टर जी अगले बार की मीटिंग के लिए दूसरा आंगन तैयार हो गया है।
हालेलुया। और सिर्फ आंगन ही नहीं बके लगे पास जी, आपने बोला जगह के लिए, जमीन के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए एक भाई ने अपना जमीन को आराधना के लिए दे दिया। अद्भुत है, हम जहां जहां जा रहे हैं वहां की आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर रहा है। और ये सबसे बड़ी सेवकाई है मेरे प्रभु, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपके जाने से वहां की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। अगर आप प्रभु के लोग हो तो आपका जाना वहां के लिए उन्नति का कारण होना चाहिए। आप किसी के घर में जाओ, पड़ोसी के जाओ, जगह जाओ, बगल वाले की जगह जाओ, सामने वाले पर जाओ, पीछे वाले की पर जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको जहां लेकर जाए वहां की घटी पूरी होनी चाहिए। आमीन। यीशु जहां जहां गया वहां घटी पूरा हुआ। दुर्वा के घर में गया, वहां घटी क्या हो गया? पूरा हो गया। तो यीशु का एक ही काम था, घटियों को क्या करना? पूरा करना। हमारा भी यही काम होना चाहिए, परमेश्वर हम जहां जा रहे हैं वहां की घटी को तू मुझे प्रगति करूंगा। जोर से बोले आमीन। करेंगे जोर से बोलो, करेंगे कि नहीं? करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन से घटी क्या होना चाहिए? पूरा होना है। थोड़ा आप लोग लग रहा दोपहर का नशा चढ़ रहा है। दोपहर का क्या चढ़ रहा है? दोपहर का नशा चढ़ रहा है क्या? दोपहर का क्या नशा होता है? नींद का, सुस्ती का, आलस का, है ना। अगर दोपहर का समय दिक्कत हो रहा तो भोर में मीटिंग करेंगे 3 बजे से, 3 से 6 चलेगा? तब फिर उस समय कौन सा नशा चढ़ेगा? दर्शन का नशा। बोले पास्टर जी मैं क्या देख रहा हूँ? जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ऋषभ बोले आमीन। हालेलुया। का धन्यवाद। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ यहोवा हमारे साथ है। लगातार प्रार्थना में अपने आप को जोड़े रहे, लगातार प्रार्थना में बढ़े रहे, वचनों के साथ ज्यादा समय बिताने का कोशिश करें। आमीन। मैंने कहा आपके होने से घटी पूरा होना चाहिए। आपको प्रभु ने घर में रखा, वहाँ पर घटी क्या होना है? मोहल्ले में रखा, घटी क्या होना है? पूरा होना है। किसी के घर में लेके जाना, घटी क्या होना है? पूरा होना है। ये नहीं जाने के बाद हमारे चक्कर में उनका घाटा हो जाए। नो, उनका घाटा नहीं हो चाहिए, उनका घटी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। सीखना है हमें कैसे प्रभु में बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। आपको धन्यवाद हो। पिछले मेरे ख्याल से दूसरा ट्रिप होगा संजू का जो मेरे साथ में चल रहा है, दौड़ रहा है। और पहली बार जब भी गया था, पहला दिन का मीटिंग तो बढ़िया था, सेकंड डे जब इसको बलरामपुर लेके गया तो पूरे रास्ते में उल्टी की और आते समय उल्टी हुई। तो मैं उसको बोलने लगा बेटा अब शरीर को बनाना शुरू करो दौड़ने के लिए, भागने के लिए। शरीर तुम्हारा दौड़ने और भागने के लिए तैयार होना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लगातार हम लोग जैसे लखनपुर का मीटिंग खत्म किया और 17 तारीख में शुक्रवार ऐसा हुआ कि अब रात में हम लोग वहां से लखनपुर दफाए। और मैं उसको बोला ऐसा कर चलेगा क्या बिलासपुर? रात का टिकट करा देंगे, संडे को, मंडे को तो पेपर है ना, फ्राइडे को, शायद ट्यूसडे को उसका एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो बोले चलेगा? बोला हाँ भैया चलता हूँ। बोला चलो फिर सीधा निकलते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कई बार आपके अंदर जो खूबियां हैं हम उसको बोलते हैं ये यूज का नहीं है ना। अब क्या बोलते हैं? यूज का। क्योंकि दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने जो गोफन दिया था वो जिंदगी में कभी भी युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं? दाऊद के हाथ में प्रभु ने जो गोफन दिया वो कभी जिंदगी में युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं। तो कई बार हम सोचते ना परमेश्वर जो तूने मुझे दिया तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा, कभी यूज ही नहीं होगा, ये तो कभी उपयोग में नहीं आएगा। लेकिन प्रभु कहता है मैंने जो दिया है ना मैं उसी से इतिहास बन चुका। मैंने बोला आपका ताली भी ऐसा अभिषेक का होना चाहिए ना। प्रार्थना करो परमेश्वर मेरी ताली में ऐसा अभिषेक आना चाहिए कि जहां मैं ताली बजाऊं वहां दुष्टात्मा नाचे। हालेलुया। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। प्रभु मैंने बोलो प्रभु मेरे हाथ में अभिषेक को। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बाजा बजा के नचाओगे, ताली बजा के नचाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक है ना परमेश्वर।
परमेश्वर की उपस्थिति में। कई बार हम अपने लाइफ को देखकर कहते हैं प्रभु जी इसमें कोई वैल्यूबल चीज नहीं है, इसमें कोई उपयोगी पात्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है राउत को मैंने तुझे राजा बनाया और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसे युद्ध करना आना चाहिए, वो अपनी प्रजा की क्या करना जाने, रक्षा करना जाने। और जब परमेश्वर ने उसे राजा के लिए नियुक्त किया तो उसके हाथ में क्या दे दिया, गोफन। गोफन से क्या मारते हैं, चिड़िया, कुछ ना कुछ चीज को दाऊद, दानियल दाऊद मार के क्या कर रहा होगा, गिरा रहा होगा। दाऊद सोचता भी होगा प्रभु जी दिया है गोफन और भविष्यवाणी हुआ क्या बनने का, राजा बनने का, कम से कम तलवार देता, भाला देता तो मैं प्रैक्टिस भी कर लेता, एक आध बार कहीं जा किसी को क्या कर दूं, निपटा दूं, दिया तो क्या दिया भाला है ना। अरे ये सब तो चर्च में आता है यार, मेरे पास जो है वो तो चर्च में कभी उपयोग ही नहीं होगा, मेरे जैसे व्यक्ति को तो प्रभु खड़ा ही नहीं करेगा, मेरे को प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे को भी उपयोगी पात्र ही बनाएगा। दाऊद के अंदर के विचारों को मैं जरूर सोचता हूँ, सोचा होगा परमेश्वर ने बोला ए दाऊद जो मैंने दिया है वो सबसे उत्तम है। याद रखे जो खुदावंत ने आपको दिया है उसे एक्सेप्ट करना है। भले उसके भाई लोग, उसके अपने, उसके पड़ोसी वाले बोल रहे होंगे इससे तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, तो प्रभु बोलता है इसी से तो कोई मरने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने लाइफ को परमेश्वर के हाथ में सबमिट करो और खुदावंद ने जो दिया है उसे इस्तेमाल करते जाओ। आमीन, जोर से बोलो आमीन। प्रभु मैं आप में कैसे बढ़ू, कैसे बढ़ू, कैसे बढ़ू। तो उनको ने एग्जांपल दिया, जब आप कार चलाना शुरू करते हो ना तो पहले बार जब आप कार चलाते हो शायद टेढ़ा मेढ़ा हो जाए या फिर कहीं ठुक जाए, लेकिन जब धीरे धीरे चलाने लगते हो आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। आत्मा में बढ़ने के लिए आत्मा में चलना जरूरी है। आप एक ही बार आत्मा का अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक दिन खड़े हो, दो दिन खड़े हो, तीन दिन खड़े हो, चार दिन खड़े हो, पांच दिन खड़े हो, समय में परमेश्वर आपको अभिषेक में खड़ा करेगा। फिर अभिषेक पाकर खड़ा होगा बोलना कभी नहीं, बुद्धि पाकर प्रभु के सेवा क्या करूंगा बोलना नहीं है, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं आता मैं खड़ा हूं तो इस्तेमाल कर। आमीन। क्योंकि जिस दिन मेरे को आएगा प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन जितने बार मुझे नहीं आएगा प्रभु उतने बार इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होना जरूरी है। बोलो आमीन। परमेश्वर मसीह के हमारे के नहीं आ रहे, इसलिए खुदावंत की उपस्थिति में बढ़ना है, अभिषेक पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, दबल होना है, वचनों के ज्ञान में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है। कुछ मत करो, जो परमेश्वर दिया है, जो तोड़ा प्रभु दिया है उसे इस्तेमाल करने जाओ। में आराधना करने के लिए दिया, वर्शिप करने के लिए, ताली बजाने के लिए, दान लेने के लिए दिया, और भी कोई भागों के लिए प्रभु ने आपको तोड़ा दिया है उसे इस्तेमाल करते रहो, उसे उपयोग करते रहो। तुझे गाय बैल चराने का तोड़ा मिला, वो उसमें परफेक्ट था, परमेश्वर कहता है अब गाय बैल से निकाल कर मैं तुझे एक व्यक्ति को मारने के लिए खड़ा कर रहा हूं। यही तो अभिषेक है, यही तो चीज है जिसमें आप जानते हो कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। आमीन। इसलिए कभी भी ना सोचना कि मेरा समय कब आएगा, तुम्हारा समय है, तुम्हारा टाइम है, तुम्हें परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा अपनी गवाही उस बात को बोलता हूँ, मैंने कहीं से अलग से जाकर नहीं ट्रेनिंग लिया, कहीं से अलग नहीं सीखा। कलीसियाओं के अंदर जब मैं ऐसी पीछे बैठा करता था तो मुझे कलीसिया में डफनी बजाने के लिए देते थे, गाना बजाने के देते थे, उसके बाद में धीरे से भजन संहिता पढ़ने दिए। भजन संहिता के समय मुश्किल से 5 मिनट पढ़ने के बाद भी 4 बार टाइम देखना, ऐसा लगे कि घंटों प्रचार कर दिए। वो समय को पार करते गए, करते 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 उसी में गिरे, उसी में हारे, उसी में टूटे, उसी में बिखरे, और खुदावंत ने आज यहां पर लेकर आया। यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन वन डेज। आप कभी भी शुद्ध एक दिन में नहीं बन सकते। आप अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अभिषेक में चलने के लिए तुम्हें आज से प्रभु में चलना पड़ेगा। समझ में आ रही नहीं कलीसिया? इसलिए अगर आप चाहते हो समय में आप यहां हो तो वहां पर बैठना सीखो। उस सगा के महत्व को जिस दिन वैल्यू करोगे परमेश्वर आपको यहां लेकर आएगा, है ना। वो जगह जहां पर आप बैठे हो उसको इंपॉर्टेंस देना सीखिए। वो जगह महत्वपूर्ण है मेरे लिए, खुदावंद मुझे कलीसिया जाना महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जाऊंगा तो मैं जहां बैठता हूं वो कुर्सी खाली हो गई। विचार कलीसिया के अंदर आना चाहिए।
यू कैन नॉट जस्ट प्रोग्रेस इन वन डे, आप एक ही दिन में एक बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते। फाउंडेशन को रखना पड़ेगा, न्यू को डालना पड़ेगा, और जब न्यू के साथ मैं बढ़ता जाऊंगा एक बड़ी इमारत खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से ऊपर जाते हैं। ऊपर जाना है, जाने के लिए जाना है, जाना है। तुम्हें कहां से बढ़ना है? नीचे से। जो प्रभु दिया उसमें करते जाओ। हालेलुया। जो प्रभु काम दिया उसमें कभी मत सोचना। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, खुदावन के लोगों, परमेश्वर जो कार्य दे उसे कभी भी छोटा नहीं समझना है, कभी छोटा नहीं समझना। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर कहीं मीटिंग हो रहा है तो मैं खाना बांटने काम दे उसे विश्वास योग्यता के साथ करो। खाना बनाने का काम मैं पिछले दिनों पर कह रहा था, आप जो करते हो उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। घर में बर्तन धोते हो ना तो भी उपस्थिति के साथ धो, नहाते हो तो भी उपस्थिति के साथ, काम करते हो तो भी उपस्थिति के साथ, जो कुछ उपस्थिति में है वो महिमा के साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दावन ये चाहते हैं हमारे जीवन से। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुदावन ने जो दिया उसे क्या करो? इस्तेमाल करो। बोलो क्या करो? इस्तेमाल। अभी बोल रहा था ना हमारे, है ना, ये सही पर डफली बजाता था, फिर ढोलक बजाया, फिर ड्रम बजाया, फिर ऐसी कुछ कुछ चीजों को बजाते 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 आज ऑक्टोबर बजा रहे। तुम सीधा वही नहीं पहुंच सकते, संघर्ष है, मेहनत है, परिश्रम है। खुदावन ने जो दिया है उसको सीखो पहले। और मैं अभी बोलता हूं, मेरे लिए अगर सबसे बेस्ट आराधना करने के लिए कुछ चीजें यही है डब्ल्यू। मैं इसमें जो आत्मिक अनुभव महसूस करता हूं मैं और किसी में, क्योंकि मेरी 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 मेरे आत्मिक जीवन का शुरुआत इंस्ट्रूमेंट ये है। हालेलुया। बहुत छोटा है, ज्यादा कुछ का बाज नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए काफी है। आमीन। मेरे क्या कहने का मतलब है, हमको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, प्रभु ने जो दिया वो तेरे लिए उत्तम है। हालेलुया। अलीशा बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जरूर प्रार्थना करें, है ना, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज दूसरे का बजा रहा है, कल प्रभु इसको खुद का देगा। आमीन। शरीर में निर्बल हो सकते हैं, आत्मा में हम बलवान हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और ये अद्भुत है मेरे प्रभु की, खुदावंत अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए अपने लोगों को बढ़ा रहा है। आमीन। है ना, बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना है। जो प्रभु दिया उस पर काम करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग क्या पढ़ रहे थे? और प्रकाशमान। हाँ, हमें उठना कैसे, क्या था पिछले हफ्ता? प्रेम की इनकार से हम कैसे उठेंगे? 22 का जल्दी बोलिए। 22 का 15। 22 की 21। 21 का 15। हेलो, जल्दी जल्दी बोलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोगों का ब्रेक और तोड़ रहा है मेरा उसको। कैसे उठेगा एक व्यक्ति? अरे वचन मत पढ़ लो यार, कैसे उठेगा ये व्यक्ति? प्रेम से, हाँ, प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। अगर मेरे जीवन में प्रेम है, अगर कितनों भी हारा टूटा व्यक्ति क्यों ना हो, मैं उससे प्रेम करूंगा, वो नए बल के साथ खड़ा हो जाएगा। आमीन। मैं इसे डांटता रहूं, मैं इसे चिल्लाता रहूं, मैं इसे गाली देता रहूं, और मैं डांट डांट के सिखाऊं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, संभव नहीं है कि वो कभी खड़ा हो पाए, लेकिन प्रेम से जब उसे सहारा देता हो वो निर्बलता में भी खड़ा होता है। हालेलुया। कमान बोले हालेलुया। सेकंड पॉइंट था कि आपको अगर परमेश्वर में खड़ा होना है या दूसरों को परमेश्वर में खड़ा करना है तो महत्वपूर्ण है आपके जीवन से प्रेम का प्रकटीकरण होना है। आमीन। दोस्तों बोले आमीन। हालेलुया। प्रेम क्या होना है? देखे, और अच्छी बात यह है कि प्रेम प्रगटीकरण होने वाला चीज है, प्रेम रखने वाला चीज नहीं है। मैं भाई संजू से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा, ये मैं जानता हूं, और ये भी जानता है कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जानते हो ना यार, ये भी जानता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा क्या करता हूं, और मैं भी जानता हूं कि मैं इससे बहुत ज्यादा क्या करता हूं, लेकिन दिक्कत है कि मैं अपने प्रेम को कभी जाहिर प्रकट करता। एक दिन क्या सोचेगा मालूम है,
करते तो है लेकिन जताते करते तो है लेकिन दिखाते। और जब तक प्रेम प्रगटीकरण ना हो वो व्यक्ति कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखें, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को प्रेम के स्वरूप में हमें दिया और प्रकट करके बताया कि मेरा प्रेम तुम्हें खड़ा करेगा। याद रखना, प्रेम हमें क्या करता है? उठाता है कि नहीं उठाता है? उठाता है। इसलिए एक दूसरे को उठाना तो किस में? प्रेम में। सहारा देना है तो किस में? प्रेम में। परमेश्वर में उठना है तो किस में? प्रेम में। जोर से बोले परमेश्वर मसीह की। हालेलुया। और आइए मैं आपको आज तीसरे विषय की ओर लेकर चलता हूँ, पॉइंट की ओर, कि हम कैसे उठ सकते हैं। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, जल्दी से लूका रचित सुसमाचार, उसका आप निकालेंगे 8, उसका 50वां अध्याय से 50वां पद से पढ़ना शुरू करेंगे। लूका 8 का 50, जल्दी से। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख, तो यह वहाँ बच जाएगी। हाँ, बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। 49 से पढ़िएगा, 8 का 49। वह यह कह ही रहा था, किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई। वो कह ही रहा था और किसी ने आकर बोला कि तेरी बेटी क्या हो गई? मर गई। बाकी लोग देखे और आगे गुरु को दुख ना दे। यीशु ने उसे सुनकर उत्तर दिया, बोल जोर से बोलो क्या कर? मटर। पड़ोसी को बोला मटर। मटर। हाथ मिलाकर बोले मटर। आमीन। वो ये कह ही रहा था और किसी ने आकर क्या बोला कि वो लड़की क्या हो चुकी है? प्रेज द लॉर्ड। यीशु उस लड़की के लिए प्रार्थना करने जाने वाला था उसके घर में, लेकिन किसी ने आकर बोला, सुनिए गुरु जी, आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जिसके लिए तो प्रार्थना करने जा रहे हो क्या हो चुका है? मर चुका है। तब यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास रख। जोर से बोलो क्या रख? केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़िया और क्या लिखता है? तो वह क्या हो जाएगी? मर जाएगी। जब का बात करते हो गुरु जी, ऊपर पद में लिखा है मर गया और आप बोलते हो विश्वास कर, क्या हो जाएगी? बच जाएगी। मर गया वो बच सकता है क्या? नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। जोर से विश्वास के साथ, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। तो हमारा परमेश्वर ना हमारे विचारों के तरफ चलने वाला नहीं है, और खुदावत हमारे सिचुएशन के आधार पर नहीं चलता है, परमेश्वर हमारे फेथ के आधार पर चलता है। जोर से बोले हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे हालात को देखकर मेरे साथ नहीं चलता। मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास को देखकर मेरे साथ चलता। हालेलुया, हालेलुया। और किसी ने आकर बोला कि वो बेची क्या हो चुकी है? मर गई है। लेकिन यीशु ने बोला है, क्या बोलता है? मटर, केवल विश्वास कर, वो क्या हो जाएगी? बच जाएगी। प्रभु जी, बचाना ही होता तो थोड़ी देर पहले आ जाते, ठीक कहीं करना होता तो थोड़ी देर पहले आ जाते। अब क्यों आ रहे हो? जो सब कुछ खला गया, खत्म हो गया, समाप्त हो चुका है, ऐसी अवस्था में यीशु उस परिवार की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी इसी प्रकार की विचारधाराएं चल रही होगी। सब कुछ खत्म हो गया, सूखापन दिखाई दे रहा है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो मर चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे यह वह कहता है, मत डर, विश्वास कर, वो बच जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, वो बचाने जा रहा है। वो क्या करने जा रहा है? आगे पढ़े क्या लिखता है? घर में आकर उसने पत्रस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के
और लड़की के माता पिता को छोड़, अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया, अन्य किसी और को अंदर भीतर आने ना दिया, सब उसके लिए रो पीट रहे थे। हाँ बोलो हालेलुया। सब उसके लिए क्या कर रहे हैं? रो पीट। सब उसके लिए क्या कर रहे हैं? रो पीट रहे। आज हम अपने जीवन के दुखों के लिए रो रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, चिंतित होंगे, प्रभु कैसे 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 कैसे। लेकिन आज इस दोपहर में मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर बोलना चाहता है। आगे बढ़े क्या लिखता है? परंतु उसने कहा, रो मत। अपने पड़ोसी को बोलो, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत। हालेलुया, मैं फेथ के साथ कह रहा हूँ, परमेश्वर आप लोग एक नया वाचा बांध रहा है। हालेलुया, डिक्लेरेशन परमेश्वर इस जगह पर कर रहा है। आमीन। और यीशु ने कहा, रो मत। खुदावंत आज कह रहा है, तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर रो मत, अपनी बीमारियों को देखकर रो मत, अपनी दिक्कतों को देखकर रो मत, अपनी घटी को देखकर रो मत, क्योंकि वहां यीशु आ गया है। हालेलुया, आमीन। आगे क्या लिखता है? वो मरी नहीं। क्या कर रही है? परंतु सो रही है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को बोले, वो खत्म नहीं हुआ, वो सो रहा है। तेरी आशीष खत्म नहीं हुआ, आ रहा है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा, वो मरी नहीं, वो क्या कर रही है? सो रही है। यह तो फर्क है यीशु की दृष्टि में और हमारी दृष्टि में। हम सोचते मर गया, यीशु कहता है वो थोड़ा देर क्या कर रहा है? हम सोचते हैं अब यहाँ से तो पानी निकलने वाला नहीं है, यहाँ कहता है यहीं पर सोता निकलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरे मसीह में चलने वाले प्रियो, आज यहोवा क्या चाहता है? आगे पढ़े और क्या आगे पढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं यह जानकर कि वह मर गई है, हाँ, उसकी हंसी करने लगे, हाँ, हे लड़की उठ। तब उसने प्राण लौट आए। बोलो हालेलुया। यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, हे लड़के उठ, मेरा यहोवा तुम्हारे हाथों को पकड़कर तुम्हें उठा रहा है। हालेलुया। चर्च बोले हालेलुया। तुमने सोचा, संसार ने सोचा, शैतान ने सोचा कि तुम मर चुके हो, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा यहोवा हाथ को पकड़ कर उठाने वाला है। आज अब हम तुम्हें उठाने जा रहे हैं, तुम्हें फिर से क्या करने जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है तुम्हारे अनुकूल तुम्हारे विचार में चीजें नहीं चल रही होंगी, लेकिन मेरे यहाँ उठाएगा। लोगों की दृष्टि में तुम मर चुके हो, लोगों के विचार में तुम खत्म हो चुके हो, लोगों की सोच में अब तुम्हारा आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं कहता हूँ यहोवा तुम्हारा खड़ा करेगा। आमीन। दिस ऑल थिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू योर फेथ। द थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, आपका विश्वास आपको खड़ा कर। हालेलुया। योर फेथ विल अरेज यू। आपका विश्वास आपको दोबारा खड़ा करेगा। आमीन। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के साथ आप चल रहे हो, थोड़ी देर के लिए वो सोई है, थोड़ी देर के लिए वो आराम कर रही है, मेरा यहोवा कहता है मैं उसे दोबारा पुनः खड़ा करूंगा। हालेलुया। यहोवा हमारे विश्वास को देखकर हमें पुनः क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, चीजें आपके विचार में नहीं चल रही है, अनुकूल चीज चल रही है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यहोवा अभी भी पुनः खड़ा करेगा। कमाल विश्वास करने वाले। आमीन। जोर से बोले आमीन। प्रभु पुनः खड़ा करेगा। जोर से बोले पुनः खड़ा करेगा। लोगों ने बोला क्या हो चुका है? मर गया। प्रभु क्या बोला? सो रहा है। और जब प्रभु उसके करीब गया तो क्या किया है? उठाया। हाथ मारे नहीं, आशीषें अभी क्या कर रही है? सो रही है। सेवकाई नहीं चल रहा है ना, दिक्कत ना ले, तेरी सेवकाई खत्म नहीं, थोड़ी देर के लिए सो रहा है। हालेलुया। प्रभु दोबारा क्या करेगा? खड़ा करेगा। समान विश्वास करने वाले बोले आमीन। ये फेथ बहुत खतरनाक चीज है।
एक मसीही जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज है विश्वास, क्योंकि इसको परखने के लिए परमेश्वर ऐसी ऐसी परीक्षाओं में लेकर जाता है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना नहीं किया होगा। लेकिन याद रखो, जो विश्वास में स्थिर रहता है वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करता है, फेथ में खड़ा रहता है। सर सबने बोला कि आगे मत जाइए, यीशु बोलता मैं जाऊंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। लोग हंसने लगे जब वो बोला कि वो क्या कर रही है। कई बार तुम जब बोलोगे कि हाँ मुझे मिलेगा, लोग हंसेंगे। कई बार जब तुम बोलोगे वो आ रहा है, लोग हंसेंगे। शैतान तुम्हारा विचार में डालकर बोलेगा, तू प्रार्थना करता है नहीं होगा, आराधना करता है नहीं होगा, संगति जाता है नहीं होगा। मैं कहता हूं विश्वास करो, आज वो होगा। अवश्य जो मेरे पास आते उन्हें क्या करना है, विश्वास करना है, और बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आज के शाम में यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों, परमेश्वर की आत्मा फिर से हमें खड़ा करेगा। और यीशु ने सिर्फ बोला नहीं कि खड़ा हो जा, यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर तुम्हें पकड़ कर खड़ा करेगा। शायद उस बच्चे के अंदर में ताकत नहीं था खड़े होने का, लेकिन यीशु ने अपने हाथ को बढ़ाकर मैं विश्वास तो करता हूँ प्रभु, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु कहता मैं हाथ को पकड़ के खड़ा करूँ। हालेलुया। मैं अपने लिए इस वचन को घोषणा कर रहा हूँ, मैं अपने लिए रिसीव कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे थाम कर खड़ा कर देगा। मर चुका था वो दोबारा जीवित हो चुका है, क्योंकि विश्वास वहां पर काम कर रहा है। विश्वास वहां पर काम कर रहा है। विश्वास है तो सब कुछ पुनः जीवित हो जाएगा। बोलो, अगर विश्वास है, विश्वास है, सब कुछ पुनः जीवित होगा, सब कुछ जीवित होगा। आमीन। सेवकाई ठप हो गया, विश्वास कर फिर खड़ा होगा। जीवन हार चुका, विश्वास कर फिर खड़ा होगा। अनुग्रह नहीं है, विश्वास कर फिर अनुग्रह आएगा। सामर्थ्य नहीं है, विश्वास कर फिर सामर्थ्य होगा। हालेलुया, आमीन। मेरा यहोवा तेरे अंदर में विश्वास को उत्पन्न कर रहा है। मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मेरा मैं सोचा नहीं था कि इस पॉइंट को आज मैं बोलूंगा तीसरे नंबर के लिए। परमेश्वर की आत्मा जब यहाँ पर बैठा, उसने मुझे स्मरण दिलाना शुरू किया। मैं पुराने पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा सोच रहा था, लेकिन खुदावंद ने बोला नहीं, आज यहाँ कुछ और चाहिए। आपका फेथ, वहां परिवार वालों का फेथ नहीं, वहां यीशु का फेथ काम कर रहा है। कई बार आपके साथ रहने वाले विश्वास नहीं करेंगे। शायद मैं विश्वास ना करूं जहां पर आपको चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं तेरा विश्वास तुझे पुनः खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और से बोले प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कुछ नहीं बोला, क्या बोला उसका, फिर से पढ़ो 48 को, 49 को पढ़ी, 50 को पढ़ी। यीशु ने सुनकर हाँ उससे उत्तर दिया, हाँ मत डर। यीशु ने क्या सुना, यीशु ने सुना क्या, मर गई है। यीशु सुनना क्या चाहता है, विश्वास। लेकिन हम सुना क्या रहे, मर गई। सुनना क्या चाहता है, जीवित है। हम सुनाते क्या है, मर गई। यीशु बोलता है सुनकर उसने बोला मत डर, केवल विश्वास। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रभु, अगर आपने यीशु को अपने घर में बुलाया है, अगर आपने अपने जीवन को यीशु को दिया है, आज के बाद वो बोलो कि यीशु सुनना चाहता है। और यीशु ये सुनना चाहता है, मैं विश्वास में खड़ा हूँ। हालेलुया, मैं आशा में खड़ा हूँ। प्रभु जी समय लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास खड़ा है। वक्त लग सकता है, मेरा विश्वास खड़ा है। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार की हार इस बात को डिसाइड नहीं करता कि तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। शायद इस परीक्षा में तुम फेल हो गए, ये प्रमाण नहीं करता कि तुम पूरी जिंदगी फेल हो जाओगे। शायद इस बार तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, ये प्रमाण नहीं करता कि अगली बार तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अगर आज विश्वास है, प्रभु कल फिर दुगना देगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। 38 वर्ष के रोगी के पास यीशु खड़ा था और बोला उठ और खड़ा हो जा। मेरा प्रियो, तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ है। आमीन। आमीन।
और अपने लाइफ में इस चीज को गांठ बांध ले। तुम्हारा फेथ तुम्हें हर एक परिस्थितियों में खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा राई के दाने के समान भी अगर तेरा क्या है तो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। विश्वास ज्यादा नहीं छोटा रखो, बहुत महिमा को पाओगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ इस बात को, मेरा यहोवा हमें पुनः खड़ा करने जा रहा है। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, क्या? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। क्या चाहिए? विश्वास। याद रखिए, शरीर का भी विश्वास नहीं करता, आत्मा विश्वास करता। शरीर हमेशा बोलेगा तुम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा सारा क्या बोली, प्रभु जी अब्राहम भी बूढ़ा हो चुके, हम भी बूढ़े हो चुके। प्रभु बोलता मैं तो जवान हूँ, मैं तो करने वाला हूँ ना, मैं तो खोलने वाला हूँ ना, मैं तो देने वाला हूँ ना, तू खा नहीं सकता, मैं तो खिलाने वाला हूँ ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंत एक ही चीज चाहता है, विश्वास का अभिषेक काम करना चाहिए। नव वरदान में सबसे बड़ा वरदान है विश्वास का वरदान। सारे वरदान सारे गिफ्ट तब मॉनिटर करते जब एक व्यक्तित्व के अंदर में विश्वास का स्पिरिट काम करता है। विश्वास भी एक वरदान है, ऐसी मिलने वाला नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिला गया विश्वास इज मेक यू स्टैंड इन एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से मिला गया विश्वास तुम्हें मृतकों से भी जीवित करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपनी हड्डियों को मांसपेशियों को कहना कि मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, जहाँ दर्द है उसको पकड़ कर बोला मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जो मरा हुआ उसे छू कर बोला मैं क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जहाँ पर चीजें ना ये गिटार सही रीति से नहीं बज रहा, इसलिए जब ढीला होता है ना, जब ये टाइट नहीं होता, जब ट्यून नहीं होता है, इसमें से कोई सुर नहीं निकलता है। जब सुर ना निकले जिंदगी का ना, तब भी बोला मैं विश्वास करता हूँ। टाइट करो विश्वास से वो बजेगा। हालेलुया, बोलो आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड पॉइंट क्या है? विश्वास। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ कर क्या किया? उठना है कि नहीं? उठना है। कितने लोग उठना है? क्या करना है भैया? जोर से बोलो। वो क्या सुनना चाहता है? विश्वास। वो क्या सुनना चाहता है? वो क्या सुनना चाहता है? विश्वास। मैं कहता हूँ जो वो चाहता है वो करोगे, महिमा तुम्हारे लिए है। हालेलुया, बोले प्रभु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक ही बात बोला, सुनो तुम कहते हो कि वो मर गया, मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। हालेलुया, और मैं अपनी आत्मा विश्वास के साथ बोलता हूँ। कई बार हम है ना संख्याओं को देखकर कलीसिया में पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, लोग तो जितना हम दिन पढ़ रहा है उतना घट रहे, पढ़ेंगे कि घटेंगे, समझ नहीं आ रहा। अभी भी जब मैं आराधना यहाँ पर गिटार बजा रहा था तो मैं इस चीज को देख रहा था कि हमारे पास फैमिली कम है, जवान लोग ज्यादा, ये लोग कुछ एक दो महीने या एक साल की बजाय से निकल जाएंगे अपने अपने स्थानों पर, बचे रहने वाले में गिनती कर रहा था कि चार पांच लोग ही दिख रहे हैं। प्रभु जी इतना बड़ा भवन है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा हुआ है, खुदावन ये तो सब चले जाएंगे, आगे कैसे चलेगा? पवित्र आत्मा ने कहा विश्वास है। अकेले मूसा की अगर वो अग्नि को उड़ेल सकता है ना, तो हम तो यहाँ पांच परिवार है। मुझे विश्वास है मेरा प्रभु हमें खड़ा करेगा। उस घर वालों को विश्वास हो चाहे ना हो, तुम्हारे शरीर को विश्वास हो या ना हो, अगर तुम्हारा आत्मा विश्वास करता है तो तुम्हारा देह प्रतिफल को प्राप्त करेगा। आमीन। तुम्हारे शरीर को बोलने दो ना कि नहीं होगा, आत्मा बोलना मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, शरीर में दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, और से बोलो प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? विश्वास करना। तीसरा पॉइंट, कैसे खड़े होंगे? विश्वास।
कई सारी चीजें जो हमें तोड़ रहा है, कई सारी चीजें हमें पीछे खींचेगा, प्रॉब्लम समस्या दिक्कतें जो हमें वापस लेगा और कहेगा कि अब आगे मत चलो, सारी चीजें नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कहता हूँ फेथ का लाइफ रिजल्ट का लाइफ। आमीन। बोले बगल वाले बोलो फेथ का लाइफ रिजल्ट का लाइफ। विश्वास का जीवन उत्तर का जीवन है। रिजल्ट हमें मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। डॉक्टरों का डॉक्टर अभी तेरे घर में, वैद्यों का वैद्य तेरे जीवन में। प्रॉब्लम को देखकर बोलना विश्वास करता हूँ मैं। समस्याओं को देखकर बोलना मैं विश्वास। आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो परमेश्वर के हाथ में जगह पर आप लोगों के लिए खोल रहा है। एक ही चीज है कि आज के बाद फेथ में खड़े हो जाओ। रिजल्ट और रिजल्ट और रिजल्ट है। क्रिश्चियन बोले आमीन। रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट है। बोलो रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट है। आमीन। हालेलुया। अब फेथ में चलते हैं। हम विश्वास में चलते हैं। किसमें चलते हैं? विश्वास में। हम किसमें चलते हैं? विश्वास में। हालेलुया। अगर जिंदा रखा है तो देने के लिए रखा है। अगर जिंदा रखा है तो देने के लिए रखा है। अगर उसको देने का मन ना हो तो अभी ले जाएगा। अगर उसने तुम्हें रखा है तो तुम्हें देगा। बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को विश्वास है वो देगा। हालेलुया। आमीन। बड़ा एक है ना, एक अच्छा एक सादरी में गीत है ना, वो राव में गीत है, हम समझेंगे नहीं सादरी तो समझ जाते हो राव कहाँ है। लेकिन मुझे ऐसा उसमें है कि हमारा परमेश्वर बोला है कि पूरा करेगा कुछ भी घटी। तो उसको हिंदी में भी गाता है सर, प्रभु यीशु पूरा करने वाला कभी न घटी होगा। हालेलुया। आशीष पाने में कभी नहीं होगा प्यारो, घटी नहीं होगा। आशीष पाने में कभी नहीं होगा, घटी नहीं होगा। Yeah.
Thank you.